Today we start our new chapter, chapter 18, A Letter About the Village Life in Pakistan of class 9. Before starting reading, I think we discuss what is letter. Letter kya hai? आप लोग मॉडर्न एरा के बच्चे हैं, आपके हाथ में मोबाइल मौजूद है, आपको जब किसी से बात करनी हो आप टेक्स्ट मैसेज कर दें, आप वॉइस सेंड कर दें या आप कॉल कर दें। बट आज से 20 साल पहले तक ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, लोगों के हाथ में मोबाइल इतना कॉमन नहीं था। PTCL होते थे, वो भी चंद घरों में होते थे, तो लोग उस टाइम प्रेफर करते थे लेटर लिखना अपने दूर पार के रिश्तेदारों को और अजीज़ों को। लेटर और तार का वो दौर अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब फैक्स और आप लोग जो मैसेजेस का दौर, अब ये दौर है। तो जैसे जैसे दौर तरक्की करता है, चीज़ें भी तरक्की करती जाती हैं। तो एक दौर में इसकी अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत थी, हम इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते और हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक जब तक हमें नहीं पता होगा कि हमारी बेस क्या है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले क्या चीज़ें थी और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते किस शक्ल में और किस टाइप में अब हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जो बुक में हमें इसका पूरा पैटर्न बताया गया और किस तरह एक खत लिखा जाता था, आपको एक छोटा सा आइडिया दिया गया। नाउ स्टार्ट योर चैप्टर। फर्स्ट जो फर्स्ट सबसे पहले हम इसका पैटर्न राइट करते हैं। तो इन्होंने ये बताया आपको कि इस तरह हम इसका पैटर्न राइट हैंड पर राइट करते हैं। E60 ब्लॉक F कॉमा नॉर्थ नाजमाबाद कॉमा कराची फुल स्टॉप 16 अगस्त कॉमा 2006 फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन में माय डियर नोमी, फिर ये जिसको मुखातिब कर रहा है उसके बारे में लिखा, उसे मुखातिब किया गया। नेक्स्ट इज मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर विच आई रिसीव सम टाइम्स बैक, बहुत शुक्रिया तुम्हारे उस खत का जो मैंने कुछ अर्से पहले मुझे मौसूल हुआ है या मिला। आई एम सॉरी दैट आई कुडंट राइट टू यू अर्लियर, बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हें जल्दी आंसर नहीं कर पाया। आई अश्योर यू दैट आई विल नॉट टेक सो लॉन्ग टू रिप्लाई इन फ्यूचर, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि फ्यूचर में ऐसी मतलब देर नहीं करूँगा। द रीज़न फॉर द डिले, वजह ये थी इस डिले की, इस देर की, कि वॉज दैट आई वेंट टू माई अंकल्स विलेज ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, कि मैं चला गया था अपने अंकल के गांव में, ये जो मेरी समर हॉलीडेज हुई थी, जो गर्मियों की छुट्टियाँ हुई थी, उसे मैं अपने अंकल के घर चला गया था। आई हैड नेवर बीन देयर, मैं यहाँ नहीं मौजूद था, एंड आई वॉन्टेड वेरी मच टू सी समथिंग ऑफ विलेज लाइफ, और मैं चाहता था कि मैं विलेज, और एक तो मैं ये चाहता भी था कि मैं विलेज लाइफ को देखूँ कि कैसी होती है। फॉर्चुनेटली द डे बिफोर माई हॉलीडेज बिगेन, खुशकिस्मती से जिस दिन मेरी हॉलीडे छुट्टियां शुरू हुई उसी दिन माय एल्डेस्ट अंकल केम टू कराची, मेरे जो बड़े चचा हैं वो कराची आए हुए थे, एंड आई वाज एबल टू रिटर्न विद हिम टू हिज विलेज, और मैं उनके साथ उनके विलेज चला गया। इन दिस लेटर आई विल टेल यू ऑल, इस लेटर में मैं तुम्हें उन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगा दैट आई हैव सीन, जो मैंने देखी। आई होप यू विल इन्जॉय इट, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। एज़ यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैनेडा, जैसे कि तुम्हारी, क्योंकि तुम पैदा हुए हो कैनेडा में और तुम्हारी परवरिश भी वहाँ हुई है, तो तुम्हें बड़ा लुत्फ आएगा ये सब पढ़कर। वेल द विलेजर्स आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, जो विलेजर्स होते हैं वो देहाती जो होते हैं वो बहुत सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत साफ गो यानी कि सच्ची बात करने वाले लोग होते हैं। दे लीड अ सिंपल हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ, वो जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो बहुत सादा, खुश और मुतमईन, कंटेंटेड, बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं इन देयर ओन वे, अपने तरीके से, विच इज़ क्वाइट अनलाइक आर मॉडर्न सिटी लाइफ, जो कि बहुत मुख्तलिफ होती है हमारी मॉडर्न जो सिटी लाइफ है उससे। देयर हाउसेज आर डिफरेंट फ्राम दोज इन बिग सिटीज़, इनके घर भी हमारे बड़े शहरों की जो घर हैं उनसे मुख्तलिफ होते हैं। दे आर मड प्लास्टर्ड, ये मतलब मट्टी से बने हुए होते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू दैट आर मेड ऑफ रेड ब्रिक्स, चंद होते हैं जो पक्की ईंटों के बने रहते हैं। मोस्ट ऑफ द लेन्स एंड स्ट्रीट, बहुत सी इनकी जो सड़कें और गलियां होती हैं आर नैरो एंड डस्टी, बहुत तंग होती हैं और मिट्टी से भरी होती हैं। यूजुअली द विलेजर्स गो अबाउट ऑन फुट, आमतौर पे जो विलेजर्स हैं देहाती, वो पैदल चलना पसंद करते हैं। दे डोंट यूज़ मोटर कार एंड टैक्सीज और इवन बसेस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, कभी भी कम फासले के लिए वो लोग मोटर कार टैक्सी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। That is why they are healthy and strong. यही वजह है कि ये
सेहतमंद और मजबूत होते हैं। द मार्केट्स इन विलेज आर नॉट द सेम इन कराची और टोरंटो। जो मार्केट है विलेज की वो ना वो कराची और टोरंटो की जैसी नहीं है। इन द विलेज शॉप्स आर फ्यू एंड स्कैटर्ड। जो विलेज में शॉप्स हैं वो बहुत थोड़ी और चंद और स्कैटर्ड दूर दूर तक होती हैं। द कारपेंटर एंड द ब्लैक स्मिथ आर द टू वर्कमैन हु आर नीडेड मोस्ट इन द विलेज। सबसे ज़्यादा जो अहम शख्स वहाँ पे तसव्वुर किया था वो कारपेंटर और ब्लैक स्मिथ है, बढ़ई और लोहार, यानी लकड़ी का काम करने वाला और लोहे का काम करने वाला। दे मेक एंड रिपेयर द फार्मर टूल्स। ये लोग जो है ना फार्मर्स के जो किसान हैं उनके जो आलात हैं उनको भी सही करते हैं। एंड डू अदर ऑड जॉब्स, इसके अलावा दूसरे काम भी छोटे मोटे कर देते हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज आर द प्राइमरी स्कूल टीचर हु ऑल्सो एक्ट्स एज द पोस्ट मास्टर ऑफ द विलेज। जो दो और अहम लोग हैं वो हैं विलेज में प्राइमरी का स्कूल टीचर, क्योंकि वो इसके अलावा वो जो है पोस्ट मास्टर का भी काम करता है विलेज में, एंड द इमाम ऑफ द मॉस्क, इसके अलावा मस्जिद का जो इमाम है वो। ये दो अहम शख्सियात और मौजूद होती हैं जो विलेज में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। द इमाम एक्सरसाइजेज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द विलेजर्स। इमाम की जो इमाम होता है गांव में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, वो विलेजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रखता है। हु लुक्स अप टू हिम फॉर मोरल एंड रिलीजियस गाइडेंस। वो इनकी अखलाकी और मजहबी दोनों गाइडेंस करता है, दोनों रहनुमाई करता है। एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स एंड कॉमन डिजीज ऑफ दिस चिल्ड्रन, इसके अलावा वो बच्चों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज भी कर देता है। ही ऑल्सो रनस अ मकतब, इसके अलावा वो मकतब मदरसा चलाता है। वेयर ही टीचेज द होली कुरान, जहाँ वो कुरान पढ़ाता है टू यंग चिल्ड्रन, बच्चों को। फॉर विच ही डज नॉट चार्ज एनी फी, जिसका वो कोई मुआवजा नहीं लेता, बट एक्सेप्ट स्मॉल प्रेजेंट्स लाइक मिल्क बटर घी फ्रॉम द पेरेंट्स, मगर उसकी जगह वो छोटे मोटे गिफ्ट जैसे कि मिल्क बटर और घी ये कबूल करता है। ऑफ द चिल्ड्रन एज अ टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो कि वालदैन अपने बच्चों के लिए के मोहब्बत और तशक्कुर के इजहार के लिए वालदैन पेश करते हैं, जो वो कबूल कर लेता है। देर इज़ मीटिंग प्लेस इन एवरी विलेज नोन एज ओताक। वहाँ पे एक मीटिंग प्लेस यानी कि लोगों के जमा होने की जगह होती है जिसे ओताक कहते हैं, ये हर गांव में होता है। द विलेजर्स मीट देयर इन द इवनिंग और इन देयर लेजर आवर्स। यहाँ पे विलेजर अपने फारे औकात में या शाम में मिलते हैं, बैठते हैं, टॉक अबाउट द वेदर, मौसम के बारे में बात करते हैं, क्रॉप्स एंड विलेज अफेयर और विलेज के जो मामलात हैं उसके बारे में बात करते हैं, एंड एंजॉय द फोक सॉन्ग्स, इसके अलावा लोकगीतों को एंजॉय करते हैं, संग टू द ट्यून ऑफ द घाघरा एंड द तंबूरा। घाघर और तंबूरा पे ये लोग इनके जो फोक सॉन्ग्स हैं जो पुराने लोकगीत होते हैं उसको इंजॉय करते हैं। जस्ट एज ओताक, ओताक की जैसे ही इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर मैन, जैसे कि आदमियों के लिए ओताक है, इसी तरह द विलेज वेल इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर वुमेन। जो विलेज का कुआं है वो औरतों के लिए मीटिंग प्लेस मुकर्रर किया गया है। द विलेज पीपल जनरली अवेक एट डॉन, जो विलेज के लोग हैं वो आमतौर पर जाग जाते हैं सुबह ही सुबह। दे आर नॉट लेट स्लीपर्स लाइक सिटी पीपल, ये देर तक सोने वाले लोग नहीं हैं जैसे कि शहर के लोग सोते हैं। मैन गो टू से देयर प्रेयर इन द मॉस्क, जो आदमी हैं वो अपनी नमाज अदा करने मस्जिद जाते हैं। वाइल वुमेन से देयर एट होम्स, जबकि औरतें घरों में अदा करती हैं। मैन मिल्क द काउ एंड बुफेलो एंड वुमेन चर्न मिल्क टू मेक बटर एंड लस्सी। आदमी जो है दूध निकालते हैं गायें और बैलों का, और औरतें जो हैं उसको चर्न करती हैं, उसको उससे फिर बटर और लस्सी वगैरह बनाती हैं। लस्सी इज़ देयर मेन ड्रिंक, इनका लस्सी जो है इनका मेन ड्रिंक है। नाउ अडेज टी ऑल्सो अपीयर टू हैव फाउंड इट्स वे इनटू द होम्स ऑफ सम ऑफ द विलेज। अब आज के दौर में वहाँ पर कुछ घरों में चाय भी नज़र आने लगी है, लेकिन लस्सी इनका ख़ास मशरूब है जो कि इस्तेमाल होता है। विलेज लाइफ हैज़ इट्स ओन चार्म्स, विलेज लाइफ का एक अपना ही चार्म है, एक अपनी खूबसूरती है इसकी। इट इज़ वेरी प्लेजेंट टू गो एंड लिव देयर फॉर अ फ्यू डेज, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे जाना और चंद दिन रहना। इन सिटीज़ देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पोल्यूशन,
सिटीज़ में मुख्तलिफ किस्म की पोल्यूशन मौजूद है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। मतलब सिटीज़ में हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, शोर की आलूदगी, हर किस्म की आलूदगी मौजूद है। इन विलेज द एटमोसफियर इज़ पीसफुल एंड पीपल इन्जॉय द फ्रेश एयर एंड नेचुरल ब्यूटी। विलेज में, जबकि विलेज में जो हवा है वो बड़ी पाक साफ होती है और वहाँ पर बड़ी खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी नज़र आती है। यू कैन वॉच अ विलेजर वर्किंग इन हिज़ फील्ड। तुम देख सकते हो कि विलेजर जो है अपना सुबह से शाम तक, डॉन टू डस्क, वो अपना काम कर रहे होते हैं अपने फील्ड, खेतों में। यू कैन सी हिम वर्किंग विद अ सिकल इन हिज हैंड, रीपिंग द क्रॉप्स अंडर द स्कॉर्चिंग सन। आप देख सकते हैं कि वहाँ किसान जो है खेतों में काम करते हैं सख्त धूप में, उनके हाथों में एक दरांती होती है जिसके ज़रिए फसल काटते हैं। और द फार्मर्स लाइफ इज़ अ मॉडल ऑफ हार्ड वर्क। फार्मर की ज़िंदगी जो एक हार्ड वर्क का नमूना है। आई होप यू विल फाइंड दिस लेटर इंटरेस्टिंग। मुझे उम्मीद है तुम्हें यह ख़त बहुत दिलचस्प लगा होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्राम यू। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। माई रिस्पेक्ट्स एंड सलाम टू अंकल एंड आंटी। मेरा अदाब और सलाम अंकल और आंटी को। लव टू डियर रोमाना, और सलाम रोमाना को। योर लविंग कज़न शाहिद। तुम्हारा प्यारा कज़न शाहिद। दैट्स ऑल। ये था चैप्टर आपका। ये एक ख़त है जो शाहिद ने अपने कज़न नोमी को लिखा है, जो कि कनाडा में रहता है, और वो जिसको बता रहा है कि विलेज की लाइफ इतनी अच्छी होती है, वहाँ पोल्यूशन नहीं होता किसी किस्म का, जो कि शहर में आप देखते हो तो हर किस्म की पोल्यूशन है, आलूदगी है, शोर है, और हर किस्म की परेशानी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और हर जगह कचरा, और इसकी वजह से हर शहरी भी परेशान है। तो सिटीज़ में तो ये परेशानियाँ सामने आती हैं, मगर जो गांव में इस टाइप की परेशानियाँ नहीं हैं, क्योंकि अब बड़ा पुरसकून माहौल है, बड़ी अच्छी फ़िज़ा है, तो लोग सेहतमंद हैं और वो सुबह ही सुबह उठ के अपने काम शुरू करते हैं और शाम में जल्दी सो जाते हैं, रातों को देर तक नहीं जागते। तो इसने एक पूरा, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मंज़र पेश किया है गाँव का अपने दोस्त को सुनाने के लिए। तो इस तरह से ख़त लिखा जाता था, अपनी बातें बताई जाती थी, तो ये उसका एक छोटा सा नमूना था। नेक्स्ट, मूव ऑन टू एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइजेज आपने अपनी कॉपी में करनी है, क्लास वर्क कॉपी में। सबसे पहले आपको टेक्सचुअल स्टडी दिया गया है। लर्न दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेज। ये वर्ड्स हैं, फ्रेजेज दिए गए हैं आपको ये पढ़ने के लिए, कि यूज़ द अबव वर्ड्स एंड फ्रेज इन योर ओन सेंटेंसेज। इनसे आपने अपने सेंटेंसेज बनाने हैं इन वर्ड्स के, विद योर ओन वर्ड। नेक्स्ट है कम्प्रीहेंशन। यहाँ पर आपने टिक करना है हु इज़ लिविंग इन कैनेडा। कैनेडा में कौन रहता था? नादिर, नोमी। सो आपने राइट ऑप्शन बताना है कि नादिर, नोमी, शाहिद में से कौन, हु इज़ लिविंग इन कैनेडा, कौन रहता था कैनेडा में। नेक्स्ट है शाहिद राइट्स अ लेटर टू नोमी। शाहिद ने नोमी को ख़त लिखा था अबाउट द विलेज लाइफ इन पाकिस्तान, अबाउट द विलेज लाइफ इन इंग्लैंड, अबाउट द सिटी लाइफ इन पाकिस्तान कैनेडा। किस जगह के बारे में उसने उसको लिखा था? इन द विलेज हाउसेज आर मोस्टली, विलेज के घर कैसे होते हैं? सीमेंट प्लास्टर्ड, मड प्लास्टर्ड या अनप्लास्टर्ड। और ताक इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर मैन, वुमैन, गर्ल्स। हु आर टू इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द विलेज। कौन दो इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं विलेज के? अ कारपेंटर एंड अ फार्मर, अ ब्लैक स्मिथ एंड अ गोल्ड स्मिथ, अ स्कूल टीचर एंड द इमाम। इसके बाद आपको कंपोजिशन दी गई है, आपको एक पैरा राइट करना है एयर पोल्यूशन और अ विलेज वेल पर। फाइव फाइव सेंटेंसेज ईच होने चाहिए। राइट अ पैराग्राफ द फार्मर वर्किंग इन द फील्ड। एक और पैरा राइट करना है आपने फार्मर वर्किंग इन द फील्ड पर, और आपने ये वोकैब्स यूज़ करनी है उसमें। प्लव, शोल्डर, ब्लॉक, सिकल, क्रॉप, सीड, डॉन, डस्ट, ये यूज़ करते हुए आपने एक छोटा सा पैरा राइट करना है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको इन्होंने मच, टू मच, मैनी, टू मैनी और इनफ का यूज़ बताया। ये इसमें आपको इन्होंने टू का यूज़ बताया कि जब भी टू मच और मैनी के साथ यूज़ होगा तो वो एफर्मेटिव या पॉजिटिव मीनिंग देगा जुमले में, और अगर टू जुमले में यूज़ हो रहा है, टी डबल ओ टू यूज़ हो रहा है, बट जुमला इन्फिनिटिव मूड में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हुआ है और उसको पास्ट किया हुआ है, इन्फिनिटिव मूड में मौजूद है, तो वो फिर वहाँ पे नेगेटिव मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल आपको मच के साथ टू मच का इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर नंबर बी देखें आप, टू मच ऑफ एनी थिंग इज़ बैड। यहाँ पर नंबर टू को आप देखें, टू मच ऑफ एनी थिंग इज़ बैड।
किसी भी चीज़ की ज्यादती बुरी होती है। इसके अलावा ये वाला देखें, देर आर टू मैनी बॉयज़ इन द क्लास, बहुत इस क्लास में, यहाँ बहुत से लड़के हैं इस क्लास में। तो दोनों पॉजिटिव सेंस में, टू की वजह से पॉजिटिव सेंस में जा रही हैं दोनों जुमले। इसके अलावा इनफ भी अगर जुमले में मौजूद हो और वो बेशक इन्फिनेटिव मोड हो, तब भी वो तब वो वहाँ पे एफर्मेटिव मीनिंग देगा अगर इनफ मौजूद होगा तो। बट अगर टू के साथ इन्फिनेटिव मूड मौजूद होगा किसी भी वर्ब का, तो फिर वहाँ पे वो नेगेटिव मीनिंग देगा, जो कि आपको नीचे इन्होंने एग्जांपल में बताया हुआ, द सूप इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। अब यहाँ पे टू यूज़ हुआ हुआ जुमले में और साथ में टू ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू यूज़ हुआ है, जो उसका इन्फिनेटिव मूड है, जो इसको पास्ट में ले गया। ये आपको अच्छी तरह मैं बता चुकी हूँ पहले 8th क्लास में, कि जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू ऐड करते हैं तो वो उसका इन्फिनेटिव मूड कहलाता है और वर्ब पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। अब इन्होंने एक न्यू एडिशन यहाँ पे आपको स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर में बताया है कि जब भी इस टू इन्फिनेटिव मूड के साथ अगर टू भी ऐड हुआ होगा जुमले में, तो ये इसका नेगेटिव सेंस देगा। फॉर एग्जांपल इस जुमले का जो मीनिंग जाएगा वो ये जाएगा, द सूप इज़ सो हॉट, सूप बहुत गर्म है, आई कांट ड्रिंक इट, तो मैं इसे पी नहीं सकता। द सूप इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, यानी सूप इतना गर्म है कि नहीं पिया गया। नेक्स्ट है, अब अगर इनफ के साथ टू यूज़ हुआ होगा तो वो वहाँ पे एफर्मेटिव मोड देगा, एफर्मेटिव मीनिंग देगा। ही इज़ टॉल इनफ टू टच द सीलिंग फैन, वो बहुत लंबा है, काफ़ी लंबा है कि वो सीलिंग फैन को टच कर सकता है। ही इज़ वेरी टॉल, ही कैन टच द सीलिंग फैन, यहाँ पे कैन नॉट नहीं आया, आप देख रहे हैं वो इसको हम फिर पॉजिटिव मीनिंग मिलेंगे। यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज दी गई है जो आपको करनी है, 10 इन्होंने इसके आपको जुमले दिए जो आपने चेंज करने हैं। Use either to or enough and the infinitive to express the following ideas. आपने इन इनको चेंज करना है इन जुमलों को। The tea is very hot. I can't drink it. अब जब हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमें इन्होंने I can't drink it कहा हुआ है, पहले इन्होंने बता दिया नेगेटिव है, तो हम इसे किस में लेके जाएंगे, टू के साथ। The tea is too hot to drink. जब कांट ड्रिंक आ रहा है तो आपको पता है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो आपने इसको लेकर जाना है किस में, इन्फिनेटिव मूड में। ये आपका टू ड्रिंक में चला जाएगा, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक इट। और अगर हम इनफ के साथ लेकर जाएंगे तो हम इस जुमले को लेकर जाएंगे, द टी इज़ हॉट इनफ टू ड्रिंक। तो बताना यहाँ पे ये मकसूद था कि अगर जुमले में कैन आ रहा है तो आपने उसको इनफ से चेंज करना है, और अगर कांट आ रहा है तो आपने उसको नेगेटिव सेंस आ रहा है तो आपने उसको इन्फिनेटिव मूड देना और टू यूज़ करना है। आर टीचर इज़ क्लेवर, ही कैन टेल यू द आंसर। अब इसको चेंज करेंगे हम यहाँ पे जुमला कैन यानी कि पॉजिटिव मूड में, तो आप इसको आर टीचर इज़ टू क्लेवर टू टेल यू द आंसर, या फिर इसका बनेगा आर टीचर इज क्लेवर एनफ टू टेल यू द आंसर, यानी हमारा टीचर इतना स्मार्ट है कि वो आंसर दे सकता है। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग दिस टू विद इन्फिनेटिव मूड और एनफ विद पॉजिटिव मूड। आपने ये जुमले चेंज करने हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट करनी है, ये वाली एग्जांपल है, आपको एक बताई हुई इन्होंने, लेट और अर्ली। लेट और अर्ली एज ए एडवर्ब भी यूज़ होता है, एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। अब यहाँ पे 3 सेंटेंसेस देखें आप, आई कुड नॉट कम अर्ली इनफ टू अटेंड द मीटिंग, आई गेट अप अर्ली इन द मीनिंग इन द मॉर्निंग, ही केम लेट यस्टरडे। ये 3 जुमलों में इनके पास अर्ली, लेट, अर्ली और लेट जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब्स को। यहाँ पे अर्ली मॉडिफाई कर रहा है वर्ब कम को, यहाँ पे ये गेटअप को मॉडिफाई कर रहा है, और लेट यहाँ पे केम को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये एडवर्ब कहलाए, यानी कि वो उठ रहा है, वो सुबह उठता है जल्दी। अब उसके उठने को मज़ीद आपने जल्दी बताया तो ये इसकी एडवर्ब शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है, तो यहाँ पे इसका एडवर्ब कहलाएगा। यही अर्ली है, यही लेट एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज़ हो रहा है, ये आप नीचे 2 सेंटेंसेस में देखिए, द विलेजर्स आर अर्ली राइजर, दे आर नॉट लेट स्लीपर। यहाँ पे विलेजर्स की बात हो रही है, यहाँ पे उनके काम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे विलेजर्स की बात हो रही है कि देहाती सुबह ही सुबह उठने वाले लोग हैं और वो देर से सोने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे उनकी खासियत बताई जा रही है, उनकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये अर्ली और लेट यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव शो हो रहे हैं। यूज़
early and late as adverb and adjective in your own sentences. Make 5 sentences for each. अब early और late को as a adverb, as a adjective use करते हुए आपने 5 sentences बनाने हैं. सारे words winning आपके लिखे हुए हैं जो आपने फिर copy में करने. Assure, guarantee, यकीन दिलाना. Blacksmith, one who works in iron lohar. Carpenter, one who works in wood बढ़ई, यानी लकड़ी का काम करने वाला. Charm, attraction, कशिश. Contented, patient, साबित. Dawn, early morning, सुबह सवेरे. Lead, guide, रहनुमाई करना. Leisure, spare time, फुर्सत. Minor, small, छोटी. Pleasing, खुशगवार. Pollution, contamination, आलूदगी. Reap, harvest, फसल काटना. Sickle, a farmer tool, तरांती. Straightforward, honest, दयानदार. Token, sample, नमूना. Tool, implement, औजार. Treatment, cure, इलाज. Weather, climate, मौसम. ये words meaning है जो आपने write करने. Next, मैंने एक छोटा सा खुलासा write कर दिया ताकि आपको और अच्छे से भी lesson यहाँ से भी समझ में आ जाए. वैसे मैं reading इसकी कर चुकी हूँ. This is your question answers. What do you know about the village life of what do you know about the life of villagers? आप क्या जानते हैं जो ज़िंदगी है villagers की, देहाती की, उसके बारे में. The villagers are very simple and straightforward people. जो villager थे वो बहुत सीधे और बहुत सावको लोग थे. They lead a simple, happy and contented life. वो बहुत सादा और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते थे. The atmosphere is peaceful and people enjoy the fresh air and natural beauty in villages. जो वहाँ की फिज़ा है वो बड़ी पूरा मन है जिसकी वजह से लोग इंजॉय करते हैं फ्रेश एयर, ताज़ा हवा और नेचुरल ब्यूटी को विलेज में. Why are the villagers healthy and strong? क्यों हैं हेल्दी और स्ट्रॉन्ग विलेजर्स जो हैं देहाती. The villagers walk a lot, बहुत ज़्यादा चलते हैं. They work hard, सख्त मेहनत करते हैं. From dawn to dusk, सुबह से शाम. They eat natural and fresh foods, ताज़ा और जो नेचुरल कुदरती जो फूड है उनके पास वो ताज़ा होता है. They go to bed early and at night and get up early in the morning. वो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं सुबह. So they are healthy and strong, जिसकी वजह से वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है, मजबूत और सेहतमंद है. Who are the important workmen in the villages? What do they do? कौन है इंपॉर्टेंट वर्कमैन, काम करने वाले दो लोग कौन अहम है विलेज में और वो क्या करते हैं. द इम्पॉर्टेंट वर्कमैन इन द विलेजेस आर कारपेंटर एंड ब्लैकस्मिथ. जो दो अहम लोग हैं कारपेंटर बड़ई और ब्लैकस्मिथ लोहार हैं. दे आर नीडेड मोस्टली इन द विलेजेस, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विलेज में. दे मेक एंड रिपेयर फार्मर टूल एंड डू अदर ऑड जॉब्स. ये फार्मर के जो टूल्स हैं उनको रिपेयर सही करते हैं और जो दूसरे काम भी करते हैं. हु आर द टू इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेजेस? व्हाट रोल डज द इमाम प्ले इन द विलेज? कौन से दो अहम शख्सियात हैं विलेज में और इमाम क्या रोल प्ले करता है विलेज की लाइफ में? द टू इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज आर प्राइमरी स्कूल टीचर एंड द इमाम ऑफ द मॉस्क. जो प्राइमरी स्कूल टीचर और इमाम हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा अहम लोग हैं गांव में. द इमाम गिव्स मोरल एंड रिलीजियस गाइडेंस. इमाम जो है वो इखलाकी और मजहबी गाइडेंस देता है, रहनुमाई देता है पीपल को. एंड ट्रीट माइनर एलिमेंट्स, इसके अलावा छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करता है. एंड कॉमन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन. द इमाम ऑल्सो टीचेस चिल्ड्रन द कुरान. इसके अलावा इमाम बच्चों को कुरान पढ़ाता है. व्हाट इज़ ओताक? व्हाट डू पीपल डू देयर? ओताक क्या है और लोग यहाँ क्या करते हैं? ओताक इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर मैन. ओताक आदमियों के लिए मिल बैठने की जगह है. इन द विलेज में द विलेजर्स मीट देयर, वहाँ पे विलेजर में मिलते हैं. इन द इवनिंग शाम में और इन देयर लेजर और अपने फारिग औकात में. दे टॉक अबाउट द वेदर, वेदर के बारे में बात करते हैं. क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं. इसके अलावा विलेज अफेयर्स यानी विलेज के जो मामलाते हैं उसके बारे में और इन्जॉय करते हैं फोक सॉन्ग्स देयर. व्हाट इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर वुमेन इन द विलेज? कौन सा मीटिंग प्लेस है औरतों के लिए? जस्ट एज एन ओताक, जैसे कि ओताक है मीटिंग प्लेस फॉर मैन इन द विलेज, अ विलेज वेल इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर वुमेन. इसी तरह विलेज का वेल कुआं औरतों के लिए मीटिंग प्लेस है. इन विलेजेस दे डिस्कस देयर मैटर्स देयर, और वो वहाँ पे अपने मैटर, अपने मसले जो हैं वो डिस्कस करती हैं. वाई इज़ फार्मर्स लाइफ अ मॉडल ऑफ हार्डवर्क? क्यों फार्मर की लाइफ एक मॉडल, एक नमूना हार्डवर्क का? अ फार्मर वर्क्स इन हिज फील्ड फ्रॉम डॉन टू डस्क. फार्मर अपने फील्ड में काम करता है, खेत में सुबह से शाम तक, ऑल द ईयर राउंड, सारा साल. ही वर्क्स विद अ सिकल, एक दरांती के साथ, इन हिज हैंड, रिपिंग द क्रॉप्स, जिससे वो
फसल काट रहा होता है अंडर द स्कॉर्चिंग सन, तपते सूरज में. देयरफॉर द फार्मर लाइफ इज़ अ मॉडल ऑफ हार्ड वर्क. इसी वजह से इसकी ज़िंदगी को एक सख्त जो मेहनत का नमूना कहते हैं, वो इसकी ज़िंदगी को कहते हैं कि वो एक मॉडल है सख्त मेहनत के तौर पर जो ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी. इसके बाद शॉर्ट नोट है, द विलेज लाइफ हैज़ इट्स ओन चार्म. विलेज लाइफ का एक अपना चार्म है. द विलेजर्स आर सिंपल एंड हार्ड वर्क वर्किंग पीपल. जो विलेज के लोग हैं वो बहुत सादा और हार्ड वर्किंग पीपल हैं, सख्त मेहनत करने वाले. द कारपेंटर एंड द ब्लैक स्मिथ आर द टू इम्पॉर्टेंट वर्कमैन इन द विलेज. कारपेंटर और जो ब्लैक स्मिथ है, लोहार और बड़ई, दो बहुत अहम काम वाले लोग हैं विलेज में. द प्राइमरी स्कूल टीचर एंड द इमाम ऑफ मॉस्क्यू आर द टू इम्पॉर्टेंट पर्सन देयर. इसके अलावा प्राइमरी स्कूल टीचर और जो इमाम है वो बहुत अहम शख्सियात हैं विलेज में. द विलेजेस आर मोस्टली फार्मर. विलेजर आमतौर पर किसान होते हैं. दे मीट इन ओताक इन देयर लेजर टाइम. अपने फारे औकात में ओताक में मिलते हैं. दे टॉक अबाउट विलेज अफेयर, क्रॉप, वेदर. द मीटिंग प्लेस फॉर वुमेन इज द विलेज वेल. द विलेजर्स गो टू बेड अर्ली एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. औरतों के लिए वहाँ पे विलेज का वेल मौजूद है अपने मामला तय करने के लिए, और ये जल्दी सोते हैं रात को और सुबह जल्दी उठते हैं. देर इज़ नो पोल्यूशन. वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है इन द विलेज. द विलेजर्स आर हेल्दी. वो बहुत हेल्दी होते हैं. द फार्मर लाइफ इज़ अ मॉडल ऑफ हार्डवर्क. हार्डवर्क का एक बेहतरीन नमूना विलेजर की लाइफ है या फार्मर की लाइफ है. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में, द कारपेंटर एंड द ब्लैक स्मिथ आर द टू वर्कमैन हु आर नीडेड मोस्ट इन द विलेज. दे मेक एंड रिपेयर फार्मर टूल्स एंड डू अदर ऑड जॉब्स. द टू इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज आर प्राइमरी स्कूल टीचर एंड इमाम. नेम द स्पीकर एंड द लेसन. आपने स्पीकर का नाम बताना है. ये कौन कह रहा था, ये शाहिद बता रहा था पूरी बात. और लेसन का नेम आपको पता है, द विलेज लाइफ इन पाकिस्तान. हु आर द मोस्ट नीडेड पर्सन इन द विलेज. कौन है जो सबसे ज़्यादा जिन बंदों की ज़रूरत होती है, वो होती है ज़रूरत द कारपेंटर एंड द ब्लैक स्मिथ. इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विलेज में, क्योंकि इनके बहुत से काम कर देते हैं. हु आर टू इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज. और इम्पॉर्टेंट शख्सियात कौन है, वो हैं प्राइमरी स्कूल टीचर और इमाम. नेक्स्ट है आपके MCQs. द विलेजेस आर वेरी सिंपल एंड डैश पीपल, ऑनेस्ट, इनोसेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपने ये पुट करनी है, जो राइट ब्लैंक पुट करनी है आपने, जो राइट वर्ड होगा वो ब्लैंक में पुट करेंगे आप. द विलेजर्स यूजुअली गो अबाउट ऑन फुट, सो दे आर हेल्दी एंड डैश. आमतौर पर वो पैदल चलते हैं, तो वो कैसे होते हैं, सो दे आर हेल्दी होते हैं और डैश होते हैं, स्मार्ट, वेल्दी या फिर स्ट्रॉन्ग. द कारपेंटर एंड द डैश आर द टू वर्कमैन हु आर नीडेड मोस्ट इन द विलेज. कौन से दो अहम काम वाले लोग जो हैं वो विलेज में होते हैं, कारपेंटर और डैश, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ या आयरन स्मिथ. पीपल लुक अप टू डैश फॉर मॉरल एंड रिलीजियस गाइडेंस. पीपल किसकी तरफ देखते हैं अपने अखलाकी और मजहबी गाइडेंस के लिए, टीचर, इमाम या मुफ्ती की तरफ. द डैश इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर मैन. आदमियों के लिए कौन सा मीटिंग प्लेस है, ओताक, विलेज वैन या मकतब. द डैश इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर वुमेन. औरतों के लिए ओताक, विलेज वैन या मकतब कौन सा मीटिंग प्लेस है. इन द विलेज हाउसेज आर मोस्टली डैश. विलेज के हाउसेज कैसे होते हैं वुमेन, अनप्लास्टर्ड, मड प्लास्टर्ड या स्टील प्लास्टर्ड. शाहिद राइट्स अ लेटर टू नोमी अबाउट द डैश लाइफ इन पाकिस्तान. शाहिद ने किसके बारे में लिखा था, किस लाइफ के बारे में, सिटी, विलेज या टाउन. डैश इज़ लिविंग इन कैनेडा. कौन कैनेडा में रहता था, नोमी, शाहिद या शकील. द फार्मर लाइफ इज़ अ डैश ऑफ हार्डवर्क. फार्मर की लाइफ कैसी है हार्डवर्क के डैश के तौर पर. मॉडल है, सैम्पल ही एग्जाम्पल है. इन विलेज द एटमोसफियर इज़ डैश. विलेज का जो एटमोसफियर है वो डैश होता है, पीसफुल, हार्मफुल या क्लाउडी. द विलेज पीपल जनरली अवोक एट डैश. कब उठते हैं, डॉन, डस्क या इवनिंग. डैश इज़ द मेन ड्रिंक ऑफ विलेजेस. उनकी मेन ड्रिंक क्या है, टी, लस्सी या कोल्ड ड्रिंक. इन डैश देर आर वेरियस काइंड ऑफ पोल्यूशन. कहाँ पर वेरियस मुख्तलिफ किस्म की पोल्यूशन है, विलेज, सिटी या टाउन में. इन विलेज पीपल इंजॉय द फ्रेश एयर एंड नेचुरल डैश. विलेज में लोग क्या चीज़ एंजॉय करते हैं, नेचुरल डैश, ब्यूटी, फेयर या फिर लेक. दैट्स ऑल. नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. नाउ यू कलेक्ट योर हार्ड कॉपी ऑफ दिस लेसन फ्रॉम स्कूल एंड डू ऑल वर्क नीट एंड क्लीन इन योर क्लास ऑफ कॉपी. अल्लाह हाफिज़. बेस्ट ऑफ लक.